नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, आपका मोबाइल गुरु, आपका आईटीआई गुरु, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटीआई के बच्चों के लिए जो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ये कर रहे हैं कि भाई हमारा ट्रेनिंग बंद है और एग्ज़ाम अगर आएगी तो हम क्या करेंगे। उनके बहुत सारे पेरेंट्स भी उस मुसीबत में हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चे का क्या होगा, उसका फ्यूचर का क्या होगा। तो आप उस सब जो आपकी दिक्कतें हैं, आपकी चिंताएं हैं, वो सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। सरकार आप सबकी तहे दिल से चिंता कर रही है। आपके सब इंस्ट्रक्टर वगैरह, आपके आईटीआई और स्टाफ वो भी ये सब देख रहे हैं। फिलहाल तो पूछ रहे हैं कि भाई हमारी एग्ज़ाम का क्या होगा। जो लोग बच्चे अभी पढ़ रहे हैं आईटीआई में, वो पूछ रहे हैं कि हमारी एग्ज़ाम का क्या होगा। तो उनके लिए बहुत सारे फ़ोन मुझे आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी 25 साल से आईटीआई में सर्विस कर रहा हूं। तो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट हैं, वो भी उनके जब टच में कोई आता है जूनियर स्टूडेंट जो कि अभी आईटीआई में है, तो वो पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई धोड़किया साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उसको पूछता हूँ। और उनके फ़ोन आते हैं, उनके पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, पूछ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम का क्या होगा। जो नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस थोड़े ही दिन में शुरू होने वाला है। पर जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको है कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, कब होगा। तो मैं उनको बता दूं कि भाई आप जो तैयारी करनी है वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की ही करनी है। अगर ऑफलाइन आ गई तो आप दे सकते हैं, मगर अगर ऑफलाइन की आपने तैयारी की है, ऑनलाइन की एग्ज़ाम आ गई तो आपको दिक्कत होगी। इसकी वजह से मैं सबको एक ही एडवाइस देता हूं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कीजिए। और हालाँकि देखा जाए तो प्रैक्टिकल आपका जो है वो तो बहुत सारा सिलेबस कवर हो गया है, और थियोरी में आपको करना ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है थियरी है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सब्जेक्ट आता है, आपको थियोरी आता है, ड्राइंग आता है, मैथ आता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया है, इसकी एक पूरी ऐप है क्वेस्ट ऐप करके। उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बहुत सारे माइक्रो प्लानिंग करके हर एक सब्जेक्ट जो हमें चाहिए सीखने के लिए वो सब सब्जेक्ट कवर करके उसका एक पूरा का पूरा पैकेज एक ऐप में तैयार कर दिया है। और सब्जेक्ट की आपको अगर प्रिपरेशन करी है तो उसके लिए भारत स्किल, उसकी भी एक बहुत ही बढ़िया ऐप है। उसके बारे में भी आप अगर जितेंद्र धोड़किया और मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आईटीआई का अलग सी प्लेलिस्ट है, इसमें ये सब ऐप के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। तो भारत ऐप करके है, उसमें आपकी थियोरी सब बुक आ जाएंगी, उसमें बहुत सारे वीडियोस भी है। और अगर देखा जाए तो एक वर्चुअल क्लासरूम करके, आईटीआई वर्चुअल क्लासरूम करके यूट्यूब में एक और भी चैनल भी है जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रेड के वीडियो है वो रखे गए हैं। तो आप अगर उस ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और अभी अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो बात हो रही है हमारी कि वंदे गुजरात करके आप अगर देखेंगे अपने मोबाइल के अंदर तो जियो टीवी के ऊपर आप जाएंगे तो वंदे गुजरात करके एक ऐप है, उसमें 3 नंबर की चैनल जो है और 8 नंबर की चैनल है, वहाँ पे आप गुजरात। तो उसमें अभी अभी फिटर का गैस और गैस सिलेंडर के बारे में लेक्चर चल रहा है, और वहाँ हर रोज हर एक ट्रेड का जैसे लेक्चर का शेड्यूल पूरा फिक्स होता है, वो दिया जाता है। ये चैनल के ऊपर भी बोलते हैं और उसका मेल भी आता है हर एक आईटीआई में। आप अपने इंस्ट्रक्टर से भी पूछ सकते हैं कि भाई हमारा शेड्यूल कब होगा और हम कब बोलेंगे।
तो आपका आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप वंदे गुजरात के ये जो चैनल है उसका लुत्फ उठाइए और उसमें लाइव रोज हर एक ट्रेड के इंस्ट्रक्टर का उसमें आता है, एक लेक्चर होता है और आप उसमें देख सकते हैं। ये लेक्चर आता रहता है। वंदे गुजरात। નમસ્કાર, આજના વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ ટ્રેનિંગ સેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું દોસ્તો આપ દેખ સકતે હૈ કે આજ આર્ક વેલ્ડિંગ કે બારે મે વિજય ગડેજા મેડમ હે જો પઢા રહી હૈ. આર્ક વેલ્ડિંગ પેરામીટર્સ વિશે આજ રોજ આપ સૌને તાલીમ સહ માર્ગદર્શન આપીશ. તો સૌપ્રથમ આર્ક વેલ્ડિંગ શું છે, કઈ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે કઈ રીતે ક્યાં તેનો ઉપયોગ થાય છે, જે વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. આર્ક વેલ્ડિંગ સમજતા પહેલા તો વેલ્ડિંગ શું છે ઇસકે બારે મે તો આપણે જોઈએ. તો વેલ્ડિંગ એ ધાતુને જોડવાની એવી ક્રિયા છે જેમાં ધારોને ગરમ आप इसका शेड्यूल अगर जान ले तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे पढ़ाया जाता है. गांधी गाथा कार्यक्रम में तो आप सोनू आप अपने मोबाइल के अंदर अपना थियरी क्लासरूम आप जहां है वहां पे लगा सकते हैं. और मैं आपका टेक गुरु आपके साथ ही हूँ. आपको कोई अगर दिक्कत है तो मेरी भी ये चैनल है जितेंद्र चौड़ोकिया करके, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको दबा के रखिए ताकि आपको ऐसी ऐप के बारे में, यूट्यूब वीडियो के बारे में और आपकी ट्रेनिंग के बारे में पता करता रहूँ. मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं तो फिर अगली जानकारी लेके.